1 mm down, 600 micron up. Okay, return. इसका पर्पस क्या है सैंड डालने का? तो लेवल करने के लिए रहता है, जस्ट लेवलिंग के लिए। ओके, अब ये ग्लू हटा के फिर इसका एक लेयर बनाना पड़ेगा 2 से 3 mm तक का बेस प्लेट। उसको प्लेट 2 से 3 mm का लेयर बनाएगा। हां, बेस प्लेट बराबर से प्लेट का थिकनेस कितना है? 25 mm रहता है। 25 रैम कितना है? उसका रैम कितना है? इससे कोई भी नहीं रहता है क्योंकि मेन लोड पूरा नहीं, ऐसा नॉर्मली रैम का कितना है उसका? 60 रहता है इसका। 60 65 ओके। लैब बंद होगा महेश भाई, मतलब जो लैब में रहते हैं वो ऑटो वाले। अच्छा, दो महेश भाई रिसेप्शन में बैठता है वो मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग जाओगे तो क्यूब लेके जाओगे, थोड़ा 2-4 सेट है। ओके, डाटम बोर है, डायल गेज सेटम करना है। डायल गेज इसलिए बोला था कि ये ना होगा प्यार आपने जनरली वो कैंटलेज में क्या सीमेंट बोरी सैंड बोरी कुछ डालता है? रहता है वो गड्ढा पूरा रहता है उसका, 1.5-2 meter का गड्ढा रहता है। नहीं तो क्यूब्स भी डाल सकता है ना, कुछ भी सरचार्ज वेट के लिए। कैंटलेज फिर वही है, बहुत यानी टाइम बहुत ज्यादा है। हां, लोडिंग अनलोडिंग वो थोड़ा है, 5 टन देना है, 5 टन दे दो। ये डिस्प्लेसमेंट गेज है ना, इसका कितना है रीडिंग्स? 25 मैक्सिमम, मैक्सिमम 25 mm। लीस्ट काउंट 0.01 mm। ओके, दो डायल गेज लगा ना? चार लगेगा। ओके, 450 का रहता है उसमें 4 रहता है। ये कैसे डिसाइड करता है कितना लगाना है? ये कोड में है सर, मिनिमम 2। मिनिमम 2। हाँ, तो 4 का एवरेज होगा, ये 4 का एवरेज होगा। इसका 0 के ऑटो सेट है? नहीं, अभी करेंगे, करना पड़ेगा, मतलब ये टच हो गया अंदर वाला 0 पे, देखिए हां वो 0 करना पड़ेगा अंदर वाला 0 पे। इसको बाहर से टच ओके।
टच हो गया। एलवीडीटी रहता है उसमें सब ऑटोमेटिक रहता है। अच्छा एलवीडीटी, हाँ वो तो उसमें तो रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं, उसमें चिप आता है लगा दिया वो डायरेक्ट लैपटॉप में ट्रांसफर। एलवीडीटी फुल फॉर्म क्या है? लो नहीं नहीं फुल फॉर्म उसका दूसरा कुछ है। वॉल डाला सब अच्छा है। पांच इंक्रीमेंट है, ईच इंक्रीमेंट में कितना लोड दे रहा है? एक टन। एक टन रेस्पेक्ट टू प्रेशर कितना है? क्या सर? ओके ये लोडिंग है सर, हो गया सब जीरो सेट हो गया। ओके इनिशियल लोडिंग दे रहे हैं। स्टॉप वॉच चालू किया, टाइम लिख दो ना। 3 बजे मिनट में लग रहा है। 56 अच्छा मतलब मैक्सिमम लोड पे वो कितना सेटिल हो रहा है फिर अपना फुटिंग के साइज के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ। उसमें आपका परमिटेबल वो आ जाएगा कितना सेटल होना चाहिए और उसके हिसाब से वैसे वर्षा वो आ जाएगा। ओ, लोड आ जाएगा, परमिसेबल लोड आ जाएगा। हाँ। उधर ओके 58 ऐसी 32 25 27 पहुंच गया तो टेस्ट वहीं रुक जाएगा। अच्छा 5 पीक लोड अप्लाई करने के बाद 25 mm हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अपने को तो पूरा जाना ही है, जाना उससे पहले हो जाता तो टेस्ट वहीं खत्म हो जाता है, डिस्कार्ड हो गया। रिपीट तो करना पड़ेगा? रिपीट नहीं करना है, उसी के हिसाब से रिजल्ट आपको दे देंगे। ओके ये रहा, देखिए क्राइटेरिया इसमें दो है, द टेस्ट विल बी कंटिन्यू टिल अ सेटलमेंट ऑफ 25 mm। हां ओके इफ ये अचीव नहीं होता है तो कब तक डज नॉट रीच 25 mm द टेस्ट शुड बी कंटिन्यू एटलीस्ट 2 times ऑफ द एस्टिमेटेड डिजाइन प्रेशर। जो एस्टिमेटेड डिजाइन प्रेशर है उसके 2 times पर हम 2.5 times फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, 25 तक जाएंगे। अच्छा 25 के हिसाब से आपका 2 ton का है तो 2.5 गियर के 5 ton तक जा रहा है। नहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 है। 2.5 है। नहीं नहीं मैक्सिमम लोड आपका कितना है इधर? डिजाइन लोड 2 है ना, मैक्सिमम प्रेशर है अपना 10 तक है एस्टिमेटेड प्रेशर। Okay. मल्टीप्लाई किया 25 आया, प्लेट अपना है 2025 का। ओके okay. इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने को टन मिल गया 5 ton 5.06 ton। ओके लोड गेज के हिसाब से अपन 5.2 तक जाएंगे। तो वहाँ पे आपके सिंह जी से बात किया तो आपके सिंह जी 9 minutes का वो हमारे 58 ऐसी वो सामान इतना नहीं लाया। 32
83 33 26 16 मिनट का रीडिंग है ना। बासठ 62 छियासी 0.86 है। 34 28 कितना है इसका 28.28 सेकंड इंक्रीमेंट है ना 2 टन तक जाएगा। वन मिनट के बाद रीडिंग लेगा ना 1.62 this will 0.65 54 ठीक नेक्स्ट क्या है बता दीजिए। ओके इसका एवरेज आएगा ये चार का इन दोनों का एवरेज आता है। ओके निकाल लेता हूँ। 2 hours तक करेगा 2 घंटे होगा 5.2 तक जाने तक 0.525 ओके अभी डिस्प्लेसमेंट आ गया एवरेज है ये पहले इंक्रीमेंट का आया है पहले इंक्रीमेंट का हाँ दूसरे का आएगा ये लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कॉरोड्रा का ग्रॉप में हाँ नेक्स्ट क्या होगा वो बस उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। ओके मैक्सिमम आपका वो आ जाएगा लोड आ जाएगा सेटलमेंट आ जाएगा फुटिंग का कौन सा लोड में देखना है मतलब इसका अल्टीमेट लोड में देखना है अल्टीमेट लोड में देखना 5 टन्स का पास देखना है हां फिर आपका फुटिंग का साइज आएगा क्या है विड्थ वगैरह वो उसमें फिर कोड में एक फार्मूला दिया हुआ है। ओके फार्मूला सिंपली अपने को वैल्यू पुट करना है आपका रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम सेटलमेंट भी आ जाएगा और मैक्सिमम लोड भी आ जाएगा कोरेस्पोंडिंग 2.25 का ले रहे कंटिन्यू करें जो लोड है अपना 5 टन 5.2 टन